चाहे तो वहां राजा बन के रहे और वो तैयार है उनको स्वागत करने, लेकिन सब कुछ करके उन्हीं के बीच में से किसी को राजा बना के उनको सब कुछ सौंप के फिर चल दिए, झोली बैठा उठा के किसी आगे। ये तो उनके जीवन में उनके स्वभाव में दिखाई देता है कि लंका जीतने के बाद खुद राजा नहीं बनते, विभीषण को राजा बना के चले आते हैं। ये उनके जीवन में शुरू से है। रावण का राज्य जीतने के बाद ही आया है ऐसा नहीं, शुरू से उनके जीवन में ये चल रहा है। जहां भी छोटे छोटे राज्य हैं, जहां भी उन्होंने कोई बड़ी जीत हासिल की है, वहां उस स्थानीय व्यक्ति को राजा बनाया, सौंप दिया, आगे चले गए, फिर किसी को राजा बनाया, सौंप दिया, फिर आगे चले गए, फिर राजा बनाया, फिर सौंप दिया, फिर आगे। दशरथ में ये गुण नहीं है,